बालकनी की तरफ से कुछ आवाज आई। रेड बुक, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सच में आई है मेरे साथ आवाज? मैं जा रही हूं। अभी आ रही है, कुछ आवाज दे, ध्यान से सुन। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है अब आवाज आ रही है, कोई पानी पी रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं महजबीन और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा हॉरर, क्योंकि आज मैं करने वाली हूं एक पैरानॉर्मल रिचुअल जिसको करने से पहले मैंने हज़ार बार सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इस रिचुअल का नाम है द रेड बुक। और इस गेम को ज़्यादातर मैक्सिकन लोग खेलते हैं एक स्पिरिट से मिलने के लिए या फिर उनसे जुड़ने के लिए। अगर हम ये गेम खेलते हैं तो हम मिलेंगे एक स्पिरिट से जो हमारे साथ बातचीत करेगा, और हो सकता है तो वो स्पिरिट हमारे साथ जिंदगी भर भी रहे। इस गेम को खेलने के लिए हमें चाहिए एक हार्ड रेड बुक, एक कैंडल चाहिए जो कि रेड ही होनी चाहिए। और इस गेम को हम खेल सकते हैं एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ, और इस गेम को इक्वली हर लोगों को सेम तरीके से खेलना होगा। मुझे बहुत ज्यादा अभी डर लग रहा है कि मैं ये कैसे खेलने वाली, क्योंकि इस गेम को खेलने के बाद आप एक आत्मा से मिलेंगे। वो आत्मा या तो आपके साथ बैठ भी सकती है या फिर जिंदगी भर आपके साथ भी रह सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है, मुझे डर लगता है ये सारी चीजें करने में, पर फिर भी मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ जिनको पता नहीं है, इस बुक के ऊपर अपना पाम रखना है और पूछना है रेड बुक कैन आई एंटर योर गेम। और इस गेम को गाइस हमें बिल्कुल सीरियसली खेलना होगा, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करोगे तभी आपका वो काम करेगा। और मैं तो नहीं बोलूंगी आप लोग ये ट्राई करो बिल्कुल भी, मैं कोई भी हॉरर गेम को नहीं बोलना चाहती कि आप ट्राई करो। सबसे पहले हम कैंडल जलाते हैं और इस गेम के अंदर हम एंटर होते हैं और देखते हैं क्या मैं स्पिरिट से मिलती हूँ, क्या मैं उससे बातें कर पाती हूँ या नहीं। इस पे हाथ रखने के बाद हमें कोई भी रैंडम पन्ना उठाना है और उस पेज पे हमें फिंगर लगाना है, और वही वर्ड होगा जो स्पिरिट हमें बोलना चाहता है। अब या तो वो नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, वो हम उस वर्ड से पता करेंगे। तो चलो देखते क्या होता है, मैं खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया है, पर मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो चलो गाइस पूछते हैं, रेड बुक कैन आई एंटर योर गेम। गाइस मैंने फिंगर रख दिया है, अब देखते क्या वर्ड आया है। मोर टाइम, मोर टाइम क्या मुझे एक बार और बोल रही है वो स्पिरिट पूछने को, क्योंकि इसका मतलब यही है मोर टाइम। भाई ये मुझसे बोल रही है एक बार और, मतलब मोर टाइम करती जाओ इसको। यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका जवाब मतलब इतने अच्छे तरीके से आ रहा है। ये मिरर में क्या है, वो नीचे देखा एक बार। नहीं अरे तो क्या है, कपड़ा है कि क्या है, वो क्या परछाई आ रही है। गाइस मुझे नहीं दिख रहा वो क्या रखा हुआ है, गाइस मुझे नहीं दिख रहा वो क्या रखा हुआ है, पता नहीं, मुझे पहले ही डरा दिया भाई। एक बार और हम ट्राई करेंगे और इस गेम में एंटर होते हैं। रेड बुक कैन आई एंटर योर गेम। यार सोच क्या आया होगा मेरे पास, होस्ट स्टे वर्ड है और मैंने एग्जैक्ट उसी जगह पे हाथ रख रखा है। गाइस ये है वो वहाँ पे मैंने हाथ रखा था स्टे। तो गाइस जैसा कि मैं गेम के अंदर एंटर हो चुकी हूँ, तो अब हमें पूछना है अब स्पिरिट से कुछ भी सवाल, और वो अभी इस जगह पे मौजूद है हमारे साथ। भाई मुझे मेरे कानों में बिल्कुल जो एक सिग्नल जैसा नहीं आवाज़ आती वैसी आई, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई मेरे साथ। सच में इसका क्या मतलब है, सच में आई है मेरे साथ आवाज़? मैं जा रही हूँ। अभी आ रही है, कुछ आवाज़ दे, ध्यान से सुन। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है अब आवाज़ आ रही है, कोई पानी पी रहा है या कुछ चबा रहा है। एक तो सामने बालकनी की खिड़कियाँ जो है ना इतनी डरावनी, ऐसा तो कोई मुंह निकाल के मुझे देख रहा है। रेड बुक डू यू नो मी लुक लाइक द फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन लुक लाइक, मतलब कि डू यू नो मी ओए। तो एग्जैक्टली हम इस सेंटेंस को नहीं मान सकते ना, पर इसके वर्ड्स का अगर हम मतलब सिर्फ निकालें, यानी कि एक साल पहले ये मुझे मिल चुका है, ये स्पिरिट जो भी है, ये जो भी स्पिरिट है वो मुझसे एक साल पहले मिल चुकी है। मुझे खुद गाइस सच बता रही हूँ, मुझे अलग सा और बहुत ही अजीब फील हो रहा है अभी, और मुझे अब महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ यहाँ कहीं तो है। अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है ना, तो अंदर से ही पता चल जाता है कि कोई मेरे साथ है, आपको वो फीलिंग आ जाती है कि मेरे साथ है कोई, बहुत भारी भारी सा अजीब सा लगता है। और मुझे इसलिए मुझे ऐसे हॉरर गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में काम करते हैं। अब उससे हम पूछते हैं कि वो मुझसे क्या चाहता है। रेड बुक तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मेरे पास आया ब्रेकअप। ओह माय गॉड, एक मिनट, बॉयफ्रेंड था क्या?
यार उसकी कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मुझे लाइक करता हो और वो अब इस दुनिया में ना रहा हो और उसकी आत्मा मेरे पास आ गई है। ये आत्माओं से कॉन्टेक्ट करने के लिए ही इस गेम को यूज किया जाता है और वो ही आत्मा आया हो। जब डर लग रहा है अम्मी, नहीं ले ओए थप्पड़ लगेगा अगर तू गई यहाँ से। ये देखो गाइस लिखा हुआ है इस पे ब्रेकअप, डू यू फील सो बैड अबाउट। ये तो प्रॉपर मुझसे ये स्पिरिट बातचीत कर रही है और मेरे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है उसकी तरफ से जो भी है। और गाइस हमें इस गेम से अगर निकलना होगा तो ये हम उस स्पिरिट से पूछ के निकलेंगे। अगर उसका जवाब ना पे ना आया ना तो हम उस गेम से नहीं निकलेंगे और जिंदगी भर उस आत्मा के साथ हमें रहना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें वहां से निकलना पड़ेगा कैसे भी। गाइस अब मैं स्पिरिट से पूछने वाली हूँ कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। द रेड बुक, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वन ऑफ माई फेवरेट गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट आया है। मैं उसकी वन ऑफ माई फेवरेट या फिर उसकी वन ऑफ माई फेवरेट वो बोलना चाह रहा है कि वन ऑफ माई फेवरेट थिंग ऐसा कुछ। अब मुझे सच में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा रियल होता जा रहा है धीरे धीरे। ये सांस बंद हो रही है सच में भाई, ये बहुत ज़्यादा डरावना गेम है, बहुत ज़्यादा रियल गेम है। गाइज मेरे हिसाब से तो ये गेम आप लोग बिल्कुल भी अकेले मत खेलना क्योंकि अकेले खेलना ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपके साथ कोई एक से ज़्यादा लोग है ना उसमें ज़्यादा आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ कोई साथी है। पर अकेले आप खेल रहे हो तो बिल्कुल भी मत खेलना ये इस गेम को, ऐसे गेम्स को खेलो ही मत। चलो आप समरीन के बारे में पूछते हैं। स्पिरिट क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? नाउ नीड मेडिसिन टू ओवरकम दैट गिल्ट। अबे यार तेरे को पसंद नहीं करता वो स्पिरिट, मेडिसिन चाहिए उसको। जवाब इतना सही देते हैं भाई। ये तो नहीं समझ में आ रहा। चलो आपके बारे में पूछती हूँ गाइस। स्पिरिट क्या मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे पसंद करते हैं? नो, नो पे आया है सेंटेंस है इफ नो, जबकि उसके बराबर में इफ यस भी है लेकिन मेरे पास आया नो। अब वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे समझ में आएगा या फिर कमेंट करोगे मुझे नहीं पता। कब से मैं सोच रही थी आप मुझसे प्यार करते हो। स्पिरिट जो बोल रहा है ना वो सच है। मैंने इधर की साइड उंगली कर दी क्यों बोलिए, इधर ही है क्या? मेरी ये वाली उंगली भी हैवी होती जा रही है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। और सच में है ये चीज, ये इधर हल्का है लेकिन इधर भूत लग रही हो मेरे को। इतनी भारी भारी सी क्यों लग रही है? मुझे खुद हैवी हैवी सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। यार ये सब क्या बनाती हो यार, नहीं पसंद। क्या क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? क्या किया? अबे यार मेरे को मत कर ऐसे। नहीं बैठा बैठा, अगर तेरा गेट खुला, अगर तेरा गेट खुला तो तेरी बहन भी जाएगी। भाई ये सब मत करो। तो चलो गाइज हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। ओके, तो मैं अब इससे पूछने वाली हूँ क्या मेरा भविष्य आगे जाके अच्छा है या खराब है। स्पिरिट मुझे बताओ कि क्या मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। मैंने इससे पूछा कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला, तो इसने बोला रिवॉर्ड्स, यानी रिवॉर्ड्स मिलेंगे मुझे, मेरा अच्छा होने वाला है इसका मतलब फ्यूचर। स्पिरिट क्या तुम अभी यहाँ पर हो? 24/7 Oh my God, क्या ये सच में आया क्या? वो आत्मा उसने बोला है कि मैं 24/7 तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब यही है 24/7 आया तो सच में 24/7 पे मेरी उंगली है। यानी कि वो बताना चाह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ 24/7 रहूंगा या रहूंगी तो तुम्हारी लाइफ और बेटर हो जाएगी। इस पे तो यही मतलब होगा ना, 24/7 एंड गेटिंग बेटर एट वर्क एंड लाइफ, मतलब मेरे काम और मेरी जिंदगी के लिए वो बेटर है 24/7 अगर वो साथ होगा तो। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये भूत जो भी है स्पिरिट, इसने बोला है 24/7 और मेरा अब ये यकीन बिल्कुल पक्का होता जा रहा है कि ये गेम रियल है। मुझे नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है, वो सच में मेरे साथ है। अगर उसने 24/7 बोला तो मुझे नहीं लगता ये गेम वो मेरे साथ एंड करना चाहेगा। मां बालकनी की तरफ से कुछ आवाज आई। यार मेरे को नहीं कह रहा पे। बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आ रही है गाइस, मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, मुझे क्यों सुनाई दे रहा है ये सिग्नल जैसी आवाज मुझे क्यों आ रही है। मैं बहरी हो गई हूँ, बहरे होने के बाद जो आवाज आती है ना टी, वो आवाज आ रही है। और अभी ऐसा लगा बालकनी से कुछ हुआ है, खटखट या खचर पचर कुछ तो आवाज आई है वहां से। स्पिरिट क्या मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ? बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ आया है बिफोर यू डिसाइड ऑन द आंसर, मेरी उंगली यहाँ पे, आस्क योर सेल्फ। मैंने उससे पूछा था क्या मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ तो ये बोला ये अपने आप से पूछो तुम।
ओ माय गॉड, कि कोई तो सामने से बात कर रहा है भाई। मेरे मुंह पे तो नहीं बैठ। घड़ी की आवाज आ रही थी गाइस, टिक 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 पूरी, और मेरी घड़ी में कहीं भी ऐसी आवाज नहीं है। अब तक का मेरा सबसे हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है ये। स्पिरिट, जैसे तुम अभी हो क्या वैसे ही रहना चाहते हो? इस पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेक्स यू द मोस्ट प्रोडक्टिव। मेरा जो मेन मैंने उंगली रखी है वो रखी है मैट्रिक्स पे, और मैट्रिक्स शायद कोई ऐसी चीज है जो शैतानी ताकत होती है, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है, मैंने सुना है ऐसा, मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, पर इस पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेक्स यू द मोस्ट प्रोडक्टिव। अब मुझे यकीन आ चुका है कि वो स्पिरिट बिल्कुल मेरे साथ है, यानी मैट्रिक्स वाला क्या सीट है मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल शैतानी चीज होती है गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है स्पिरिट। क्या तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? गाइस मेरा जवाब फिर से नो पे आया है, नो। रेड बुक, कैन आई एंड दिस गेम? मेरी उंगली तो ब्लैंक पेपर पे आई है, कोई जवाब ही नहीं है। रेड बुक, कैन आई एंड दिस गेम? यू विल नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैंने एंड के लिए बोला था तो ये क्या जवाब आ रहा है? यू विल नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। रेड बुक, कैन आई एंड दिस गेम? मेरा वर्ड जो है, मेरी उंगली जहाँ पर आई है वो है स्टॉप पे, यानी कि मैं इस गेम के बाहर आ चुकी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लगा। ये गेम ऐसा है कि अगर वो स्पिरिट चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ 24 घंटे के लिए, तो वो कभी भी इस गेम को एंड नहीं होने देता, चाहे आप कितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछ लो, और आप इसी गेम में फंस के रह जाते और उसका साया हमेशा आपके साथ रहता। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता, लेकिन मैं सक्सेसफुली निकल चुकी हूँ। तो चलो इस हॉरिफिक मोमेंट को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग प्लीज मेरी इस हिम्मत के लिए ना प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, याद से अभी पॉज करो और अभी लाइक करो, और कमेंट में भी बताना कि आपको डर लगता है भूतों से, या फिर इस वीडियो को देख के डर लगा है या नहीं, और क्या मुझे और भी हॉरर वीडियोज या फिर ऐसे रिचुअल्स करने चाहिए। तो चलो गाइज अब यहीं पे खत्म करते हैं हम अपनी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।